सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चहल। भावें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वड्डे वड्डे ऐलान करके पंजाब के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ वादे अजिहे चोणों तो पहला कांग्रेस पार्टी के वलों कर दिते गए सन जो कि बहुत ज़्यादा वड्डे सन। हुण चन्नी सरकार भी उन्होंने वादियां नूं पूरा करन तों हथ खड़े करदी दिखाई दिंदी है। इन्हां दे विच ही एक वादा सी किसानां दी कर्ज मुआफी दा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोणां तो पहला पंजाब दे किसानां नाल ये वादा कर दिता सी कि सारे ही किसानां दा सारा ही कर्जा उन्हां दी सरकार दे वल्लों लाहिया जावेगा, किसानां नूं कोई भी कर्जा नहीं उतारना पवेगा। ते हुण जदों चन्नी सरकार होण दे विच आई है तां बहुत सारे ऐलान सरकार दे वल्लों कीते गए ने, पर कर्जा मुआफी ते आ के चन्नी सरकार दे वल्लों भी ना नुक्कर कीती जांदी है। बीते दिन किसान जथेबंदियां दे वल्लों मुख्यमंत्री चन्नी दे नाल बैठक कीती गई सी। 18 मंगां रखी गई सन, 17 मन लिया, पर कर्जा मुआफी की मंग से चन्नी सरकार इनकारी होंगी दिखाई दी, भावें कि उन्होंने टालिया कि एक बार फिर तो बैठक करांगे कर्जा मुआफी से बाद दे विच गल करांगे, पर विरोधी पार्टियां हुण कर्जा मुआफी नूं लैके चन्नी सरकार नूं घेरे विच लैंदियां दिखाई दिंदियां ने। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान पंजाब दे साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों सीधा हमला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते कीता गया, उन्होंने फ्रॉड कह दिता है। मैं उही सोच रहा जदों गुड़का साहब की सहुं खाधी सी कि असीं कर्जा सारा ने माफ करांगे, उदों क्यों गुमराह किया? अज चन्नी साहब कह रहे हैं कि सानू पता नहीं कित्थों करांगे, तो उदों जो 4.5 साल तुसीं सरकार दा निग मानिया उदों तो ठगी मारी, थोड़े ते झूठ बोलन ते इल्जाम ते थोड़ा परचा होना चाहिए इन्हां दे। इक नरमे दे किसानां नूं आख रहे कि हुण असीं 17,000 रुपया देवांगे, तुसीं जदों इशू चक्किया जदों असीं कहा उत्थे 50,000 दा उत्थे नुकसान होया पिया है, गए है नहीं, पहले तो 12,000 ही नहीं मिलिया, फिर कहिंदे असीं 5,000 होर दे देवांगे, फिर वह कह रहे हैं कि जिहदा 33% नुकसान होया 17,000 का 33% देवांगे, जिहदा 50% नुकसान होया 17,000 का 50% देवांगे। हुण कौन देखूगा 33% 50%? पटवारी लैणगे ते इहनां दे एमएलए पैसे लैणगे देण वास्ते। अज किसानां ने भी आख्या कि मुख्यमंत्री मीटिंग च कुछ होर गल्लां करदे ने, मीडिया सामने आके कुछ होर गल्लां करदे। मैं उही कहिंदा देखो चन्नी का चेहरा सब तो वड्डा फ्रॉड, जे बंदा कोई फ्रॉड है वह चन्नी है, कहिंदा कुछ है करदा कुछ है, शकल होर है अंदर कुछ है, ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਆ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ? ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਪਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਆਹ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੱਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
जिहड़े प्रधान ने श्रीमती सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जी वो बार बार कह चुके ने कि साडियां जिहड़ियां सूबा सरकारां इहदे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाणगियां, लेकिन हले तक नहीं गईयां। इह कितों ना कितें इह लगदा कि इह निक्कियां निक्कियां गल्लां 'च उलझा के इस जिहड़े तीन काले कानूनां दे मसले का हल नहीं करना चाहते, और कांग्रेस सिर्फ सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा उन बरकरार रखना चाहती है ते उदे च वोटां दी फसल वढ़ना चाहती है। सो मैं चन्नी साहब पूछना चाहुंदा कि तुहाडी सरकार आर्टिकल 131 दे अधीन सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई ते कदों जाएगी, हुण इह गल दसो चन्नी साहब। इस तरह मुख दोवें विरोधी पार्टियां भावें वह श्रोमणी अकाली दल होवे जां फिर आम आदमी पार्टी होवे, दोनों दे वल्लों ही किसानी मुद्दे ते चरणजीत सिंह चन्नी नूं कटहरे दे विच खड़ा करन दी कोशिश कीती जा रही है। बहुत सारियां गल्लां मुख्यमंत्री बनन तों बाद चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों किसानी बारे अजिहियां कीतियां गईयां सन जिस बारे अजे तक उन्हां दे वल्लों अमल नहीं कीता गया है। जिवें कि उन्हां ने कहा सी कि जेकर खेती कानून रद्द ना कीते गए मैं थोड़े दिन ही वेखना है, नहीं तां भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के अगे जाके मैं धरने से बैठ जाना है। पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनिया लगभग 2 महीने हो गए हैं, अजे तक उन्होंने तरीक तय नहीं की है कि आखिर कदों पीएम मोदी के घर के बाहर खेती कानून के खिलाफ धरना ला के बैठे। कोर्ट में जाने का भी ऐलान किया गया सी, उत्थे भी सरकार नहीं गई है। जिहड़ा नरमे का खराबा होया है उसका मुआवजा भी अजे तक सरकार के वलों नहीं दिता गया है। किसानों के वलों अंदोलन किया जा रहा है। इस तरह किसानी मुद्दे कई गल्लां अजिहियां ने जिन्हां कैप्टन सरकार तो बाद हुण चन्नी सरकार भी कसूती करदी दिखाई दिंदी है। आते जो प्रचार लगातार चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों कीता जा रहा, उन्हां दी सरकार दे वल्लों कीता जा रहा, लगातार नारा भी दिता जा रहा है, घर घर विच चली गल चन्नी करदा मसले हल, इस नारे नूं लै के भी विरोधी पार्टियां दे वल्लों हल्ले पंजाब सरकार ते बोले जा रहे ने। उह कहिंदे ने कि सिर्फ नारियां दे लई ही ऐलान चन्नी सरकार दे वल्लों कीते जा रहे ने, जदके जमीनी पद्धर ते कुछ भी तब्दील आउंदी दिखाई नहीं दिंदी है। श्रोमणी अकाली दल दे हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों तां सिद्धे तौर ते चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री नहीं प्रचार मंत्री तक कह दिता गया सी कि वह सिर्फ प्रचार करदे ने, कम कोई नहीं करते। इस तरह लगातार जो प्रचार चन्नी सरकार दे वल्लों कीता जा रहा है उसते भी विरोधी पार्टियां सवाल चुक रही ने। हुण किसानी मुद्दे ते भी चन्नी सरकार विरोधियों के निशाने ते आउंदी दिखाई दिंदी है। इत्थे एक सवाल असीं तुहाडे कोल भी पुछ लैणा चाहुंदे आ कि तुहानूं भी इदां ही लगदा है कि चन्नी सरकार दे वल्लों सिर्फ मशहूरी की जा रही है कि जां फिर जिहड़े ऐलान कीते ने उह जमीनी पद्धर ते भी लागू हो रहे ने। जो भी तुहानूं लगदा है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इसे तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल देखदे रहना चाहुंदे हो तां यूट्यूब ते द पंजाब टीवी दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना। जेकर इह खबर तुसीं फेसबुक ते देख रहे हो तां फेसबुक ते द पंजाब टीवी दा पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली वार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।